बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरजू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर सोहा, हैप्पी बर्थडे टू यू। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। तो गाना सुन के आप लोगों ने कुछ तो गेस किया होगा कि आज जो है किसी का मेरे घर में बर्थडे। जी हाँ, तो आज है मेरी देवर और देवरानी की बेटी जिसका नाम है सोहा, उसका आज फर्स्ट बर्थडे है। और हमारे घर में जितने भी बच्चे हैं सबका फर्स्ट डे बहुत धूमधाम से मनाया गया है, तो उसका भी फर्स्ट बर्थडे है। तो आज घर में है बर्थडे पार्टी। तो यहाँ का मौसम बदल चुका है, अभी तक तो मुझे बिल्कुल भी सर्दी नहीं लग रही थी, लेकिन आज से सुबह से कोहरा था, फॉग जिसे बोलते हैं इंग्लिश में तो फॉग था, तो सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है। और आज सुबह से मैं यही सोच रही हूँ कि जब सुबह की बर्थडे में जाऊँगी मैं क्या पहनूंगी जिसमें मैं कंफर्ट भी फील करूँ और अच्छा भी दिखूँ, जो कि हमेशा से मैं ये सोचती ही हूँ। तो पूरा दिन यही सोचते 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 फिर फाइनली अब डिसाइड हो गया है तो मैं क्या पहनूंगी वो तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और आज का व्लॉग मैं इसीलिए शाम से शुरू कर रही हूँ कि दिन का तो जो भी पूरा रूटीन था वो तो आप लोग को पता ही है कि क्या होता है, भागम भाग घर के काम ये वो। शायान स्कूल गए थे, वहाँ से आ गए, इनका होमवर्क भी मैंने करा दिया क्योंकि शाम में जाना है हम लोगों को। तो व्लॉग बस शुरू हो चुका है। और सबसे पहले तो आप सब लोग जो लोग मुझे देख रहे हैं सोहा के लिए दुआ करिए कि अल्लाह ताला उसका बुलंद नसीब करे, उसकी सेहत हमेशा अच्छी रहे और अपनी ज़िंदगी में उसको काफ़ी सक्सेस मिले जो वो चाहती हो, आमीन। तो प्लीज़ आप लोग सब लोग उसके लिए दुआ करिएगा। उसके बेचारे की भी थोड़े दिन पहले थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, जैसा कि मौसम बदल रहा है सभी बच्चों को सर्दी खांसी ज़ुकाम हो रहा है। तो बस अब हम व्लॉग शुरू करते हैं, बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए। हाँ, दूसरी बात, अगर मैं ऊपर पार्टी में मैं पहले पूछ लूँगी क्योंकि लोगों की अपनी प्राइवेसी होती है कि किसी को शायद नहीं अच्छा लगे कि हाँ मेरा मतलब वीडियोग्राफी मैं करूँ, तो मैं पूछ कर अगर हो सकेगा तो मैं व्लॉगिंग करूँगी और आप लोग को दिखाऊँगी सोहा कौन है। और अपने देवरानी उन लोगों से तो आप लोग मिल चुके हैं पहले भी, क्योंकि ईद की पार्टी में मैंने सबको इंट्रोड्यूस करवाया था, दोबारा भी कोशिश करूँगी। वरना अभी तो जो मैं कर रही हूँ, मैं कैसे तैयार हो रही हूँ, मैंने क्या पहना है, वो सब कुछ आप लोग देखिए। तो सबसे पहले आप लोग मेरा आउटफिट देखिए, तो व्लॉग में बने रहिए। ये है मेरा आउटफिट, ये देखिए, ये लॉन्ग गाउन स्टाइल में है, आप लोगों को मैं दिखाती हूँ ऐसे करके। ये इसका घेर है, फ्लेयर है, और इसमें सेम शैनेल का पैच लगाया गया और उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी है, फुल स्लीव है। तो मुझे ये लगा कि इससे कंफर्टेबल मेरे लिए कुछ नहीं होगा, तो आप लोग फिर से देख लीजिए, जब फिर मैं पहन के तैयार होंगी तो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो ये है इस सूट का फाइनल लुक, और आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि मेरी ड्रेस कैसी लगी। और दुपट्टे ये मेरे पास दो हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों से पहले ही बताया था, ये वेलवेट की शॉल और एक ये जॉर्जेट पर है। तो मैं अभी डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ कि कौन सा दुपट्टा मैं लगाऊँ, ब्लू वाला या ये वेलवेट वाला, क्योंकि मौसम के हिसाब से मैं सोच रही हूँ कि मुझे सर्दी ना लगे तो ये वेलवेट सही लग रहा है। और ये भी ये कलर के हिसाब से मुझे ये अच्छा लग रहा है, वो तो मैं बाद में देखती हूँ, जब मैं जो पहनूंगी तो वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो बस अब मैं हो रही हूँ तैयार। सो मैं रेडी हो चुकी थी, मैं सोचा मैं फाइनल टच दे लेती हूँ, तो ये मैं तैयार हो चुकी हूँ, देखिए आप लोग मुझे। गेस्ट का आना शुरू हो चुका था और कुछ लोग मेरे रूम में आए थे, तो मैंने सोचा कि लो मैं उनसे ही अपना एक फुल पोज निकलवा लेती हूँ अपने मोबाइल से, क्योंकि मैं अपने से तो बना नहीं सकती, तो उससे जैसा हो सका उसने मेरी फुल इमेज ली। और आप लोग देखिएगा और मुझे कमेंट करिएगा कि मेरी ड्रेस आप लोगों को कैसी लगी है। तो ये है मेरा जो आउटफिट था उसका पूरा लुक, मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। और ये मेरे शायान का फाइनल लुक है, माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं। शायान हाय करो। हाय, हेलो व्यूअर्स, हेलो। तो मम्मी का चैनल सब्सक्राइब करिए। यस, ये मेरे शाही हुए, मैंने सोचा मैं आप लोगों को इनका भी लुक दिखा देती हूँ, बताइएगा ये कैसे लग रहे हैं। और ये है मुस्तफ़ा,
माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं। इन्होंने जो ड्रेस पहना हुआ है ये भी बहुत अच्छा लग रहा है इनके ऊपर, और पॉपकॉर्न खाने में मशगूल है। तो मैं आ गई हूँ, और जहाँ से ये फंक्शन हो रहा है वो मेरे रूम के ही सामने एक हॉल है, वहीं पर ही डेकोरेशन किया गया था। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ का डेकोरेशन दिखा देती हूँ। और मैंने सोहा की मम्मी से पूछा था तो उसने बोला है कि नहीं, वो अपने आप को कैमरे में दिखाना नहीं चाहती, इसका कोई वो नहीं है। सब मैंने आप लोगों से पहले भी बोला था कि कुछ लोगों की अपनी प्राइवेसी होती है, तो बस मैं जिनको जिनको दिखाऊंगी आप लोग देख लीजिएगा। और मैंने वो वाला पोर्शन कट कर दिया है जहाँ पर केक कट होगा उसमें, क्योंकि सब लोग हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं। तो ये है यहाँ का डेकोरेशन। ये हैं सोनू शायान के भाई हैं, एक मुँह दिखाई करवाओ, जल्दी करो सोनू, अल्लाह इतनी शर्म, लड़कियाँ लहन के आगे। चलो कोई बात नहीं, बाद में ले लेंगे, ठीक है। तो गेस्ट का आना शुरू हो चुका है, और ये है मेरी देवरानी, क्या नाम है, अमरीन। तो ये है अमरीन, और ये मेरी एक तरीके से फ्रेंड भी है, बहुत अच्छी है, बहुत केयरिंग। लेकिन और लोग मोहानी, इनसे तो आप लोग शायद मिल चुके हैं, पहले भी हम आई थी ना, ईद में आई हो ना तुम लोग। ये मेरी मोहानी है, यानी कि मामी सास, और ये मेरी नंद है, इनकी बेटी। और लोग जैसे जैसे आते जाएंगे तो आप लोगों से इंट्रोड्यूस करवाते जाएंगे, तो ब्लॉग में बने रहिए। तो यहाँ पर केक कट हो चुका था, और कुछ गेस्ट मेरे रूम में थे, तो इन लोगों को केक खिलाया जा रहा है। और यहाँ पर गेस्ट के लिए खाना लगा दिया गया था, क्योंकि कम लोग हैं, घर के ही लोग थे बस, सोहा के नानी के घर वाले, और यहाँ दादी के घर वाले, कुछ उसके पापा के फ्रेंड्स थे। तो यहाँ पर खाना लग चुका था, जब ये लोग खा लेंगे तो फिर हम लोग बाद में खाएंगे। अब हम लोग का खाना लग चुका है, ये रहा खाना, नहारी, चिकन, क्या ये कौन सा है, नहीं तंदूरी चिकन, तंदूरी चिकन। और ये नीलम शुरू हो गई है, दिखाओ इधर अपनी शक्ल, और इधर बैठी है राज बेटी, और इधर बैठी है मेरी जिठानी, और इधर सब सामने बच्चे बैठे हैं। हम बहुत पसंद है नहारी। Hi. 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 अब हम लोग खाना शुरू कर रहे हैं, आइए। पार्टी खत्म हो चुकी है, सबने अपना खाना खत्म कर दिया है, और सब लोग जा रहे हैं अपने घर। आज का ब्लॉग आप लाइव और शेयर, बाय करो। समीरा भी जाने वाले, क्योंकि टाइम बहुत हो गया, तो बस आज का ब्लॉग मैं यहीं खत्म कर रही हूँ। नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह अपना फैमिली के साथ।